नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देख रहे हैं TSD न्यूज़। कोरोना संक्रमण के जंग से लड़ने के लिए इस वक्त पूरी तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज मन की बात में कोरोना जंग से लड़ने की तमाम बातें कहीं, और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री रामेश्वर उरांव जी, इनसे जानते हैं कि राज्य सरकार ने क्या तैयारी की है। सर बताएं, क्या तैयारी किए हैं आप लोग? देखिए, जैसे ही हम लोग कोरोना वायरस के बारे में पता चला, झारखंड सरकार ने भी शुरू कर दिया इस जंग से लड़ने के लिए। विधानसभा चल रहा था, डीसी को लिखा था ना, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश दिया सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए। स्कूल कॉलेज बंद हुए, ऑफिसेस भी बहुत हद तक बंद कर दिए गए। शुरू से ही अब उसका रोस्टर बना करके बुलाया जाता था अफसर्स को, कर्मचारियों को, और हम लोग बाहर से जो आ रहे थे, जो हो सकते थे संभावित कैरियर थे इस रोग के, उनकी भी जांच शुरू की और क्वारंटाइन करना जगह जगह, जहाँ जहाँ के लोग थे वहाँ के पंचायत भवन में, स्कूल में हम लोग शुरू कर दिए। इस तरह से हम लोग इस जंग को लड़ने के लिए प्रारंभिक तरीके से शुरू कर दिए। और इसके बाद विधानसभा को रोक दिया गया समय के पहले ही, और अब पूरी तरह से इस जंग में लड़ने के लिए हम तैयार हैं। देखिए, जंग दो तरह से लड़ा जा रहा है अभी। एक तो टेस्ट करके कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। अभी तक जितना भी आपने ठीक कहा कि मात्र 200 का भी टेस्ट हुआ है, तो कैसे कह सकते हैं यहाँ कोरोना रोगी नहीं है कोरोना वायरस के? आपका ठीक कहना ठीक है, हम लोग वही मानते हैं। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने अभी 200 करोड़ की राशि दी है इक्विपमेंट खरीदने के लिए। वो जल्दी ही खरीदा जाएगा, संभवतः ऑर्डर चला गया होगा, जल्दी ही आ जाएगा और टेस्ट बढ़ जाएगा यहाँ, ये बताना चाहेंगे हम। और उसका आइसोलेशन सेंटर बने हुए हैं, क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं, ये सब व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। दूसरा है कि इस समय में सभी चीज़ें बंद हो गई हैं, काम बंद हो गया है। जो रोजमर्रे काम करते थे, कमाते थे, खाते थे, उनको दिक्कतें हो रही हैं। लोग बाहर भी फंसे हुए हैं, उनको भी दिक्कत हुई, विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए हैं। अब उनके लिए भी हम इंतजाम कर रहे हैं। जहाँ तक राज्य में खाने का सवाल है, इसमें हमारा विभाग जो है खाद्य आपूर्ति विभाग ने पहल किया है, 2 महीने का हम राशन दे रहे हैं, अप्रैल और मई का दे रहे हैं। इसके अलावे हम लोग जगह जगह सेंटर खोल रहे हैं दाल भात योजना का। अभी सेंटर बढ़ा दिए, पहले 377 सेंटर थे पूरे राज्य में, हमने 460 उसको बढ़ा दिया कर दिया, और अतिरिक्त ये सब हैं, 377 के अलावे ये सब हैं सेंटर। एक और दूसरा कि पुलिस को भी हम अनाज दे रहे हैं, और पुलिस थानों में लगभग 6 थाने हैं इस राज्य में, सभी जगह सेंटर खुलेंगे, वहाँ आसान है पहुँचना लोगों का। बाहर से भटके हुए लोग आएंगे, बाहर से भी आएंगे तो थाना में जा कर के खिचड़ी खा सकते हैं, 5 रुपये में खा सकते हैं, हम उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम हर जिला को 2000 पैकेट गुड़, चूड़ा और चना का व्यवस्था कर रहे हैं। 2 kg चूड़ा रहेगा, 1/2 kg गुड़ और 1/2 kg चना, इसके पैकेट बना कर रख रहे हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इमरजेंसी होगी, जहाँ लोग भूखा रहेंगे, खबर लगे कि फलाने जगह अनाज नहीं पहुँच पा रहा है किसी कारण से, तुरंत वहाँ चूड़ा गुड़ चना पहुँचाएँगे, और लोगों को हम भूखा नहीं रहने देना चाहते हैं। ये सब व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं अभी तक, और मैं खुद इसका मॉनिटर करता हूँ, जगह जगह उपायुक्तों से बात करता हूँ, सप्लाई अफसर से बात करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर से, और ज़रूरत पड़ी तो हम डीलर से भी, जहाँ शिकायत पड़ी मिली हमको कि डीलर, एक मैं बीच में टोकेंगे, ये सब तो आपने कहा है, लेकिन ये धरातल पे कितना उतर रहा है? ये धरातल पर 100% उतरेगा, 100% इसमें हम लगे हुए हैं। और एक मैं और एक बात कहना चाहूँगी, जो लोग अभी भी बाहर से आ रहे हैं, जो पैदल आ रहे हैं या गाड़ी से आ रहे हैं, उनका अभी तक स्क्रीनिंग नहीं हो रहा है, तो अभी तक राज्य सरकार ने इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो जिस जिला में जा रहे हैं उनको स्क्रीनिंग खोज कर किया जा रहा है, स्क्रीनिंग करके उनको सलाह दी जा रही है कि या तो अपने घर में जाना चाहते हैं तो वहाँ रूम में बंद हो जाएं एक, ताकि दूसरे को ये रोग नहीं पार हो, और दूसरा कि अगर घर में जगह नहीं है तो पंचायत में और स्कूल में
क्वारंटाइन के लिए जगह बनाई गई है, वहाँ उनको भेजा जा रहा है, खाने की व्यवस्था की जाएगी। अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन आइडेंटिफाई कर लिए हम लोग जगह कहाँ कहाँ रखेंगे, उसको वहाँ रखेंगे हम लोग, ये सब व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। सर एक चीज़ जो ट्रैफिक पुलिस है, जिला प्रशासन है, वो लोग सुबह से शाम तक रहते हैं, खड़े रहते हैं, जनता को समझाने का काम कर रहे हैं, काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं, धूप में रहते हैं, लेकिन उन लोगों की एक शिकायतें हैं कि सरकार थोड़ा ध्यान दे, हमें खाने पीने की एनर्जी ड्रिंक की व्यवस्था करे, तो क्या आप इस पर ध्यान देंगे? जरूर ध्यान देंगे, आपने नज़र में लाया है। अभी मैं डीजी पुलिस से बात करूँगा और कहूँगा कि इसकी व्यवस्था तुरंत करें ट्रैफिक को, और जो ट्रैफिक के अलावा भी जो पुलिस अभी लगे हुए इस काम के लिए, कोरोना के लिए, अपना खाना पीना छोड़ के संभव नहीं है कि अपना खाना बनाएं और खाएं या पुलिस लाइन में जाएं और खाएं, तो उनको जहाँ तैनात है वहीं उनको खाने की व्यवस्था, सूखा राशन की व्यवस्था डीजी पुलिस से बात करते हैं, कराएंगे। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर रामेश्वर राव जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है इस कोरोना के जंग से लड़ने के लिए, और चाहे गरीब हो, मजदूर हो, या फिर जिला पुलिस प्रशासन हो, ट्रैफिक पुलिस, हर किसी का ख्याल रखा जाएगा, हर किसी को खाना पीने की व्यवस्था पूरी की जाएगी ताकि लोग भूखे रह के काम ना करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप देखते रहें दैश डी न्यूज़, गौरी रानी रांची से।